संजीवनी खाद। संजीवनी खाद वास्तव में जो अनेक प्रकार के हम खाद बनाकर मिट्टी में डालते हैं, इससे नाइट्रोजन की मात्रा उस मिट्टी में काफी बढ़ जाती है और उसको संतुलित करने के लिए वहां कार्बन देने का आवश्यकता होता है, ताकि कार्बन और नाइट्रोजन के उचित संतुलन से पैदावार में गुणवत्ता वृद्धि के लिए यह उपयोगी हो जाता है। इसमें जो आवश्यक सामग्री है वो गोबर कंडे का राख, ये 10 किलो चाहिए, और गोमूत्र, देसी गाय का ताजा गोमूत्र 1 लीटर इसकी आवश्यकता होती है। किसी समतल स्थान में कोई पक्का जगह है या कोई प्लास्टिक को 10 किलो राख को अच्छी तरह से फैलाकर रख दें। 1 लीटर जो गोमूत्र है उसको उसी फैलाए हुए राख के ऊपर में छिड़क दें, पूरा 1 लीटर गोमूत्र को अच्छी तरह से उसके ऊपर छिड़क दें। राख पर गोजल को छिड़क देने के बाद 12 घंटा तक इसको वैसे ही छोड़ दें। जिस दिन इसको प्रयोग करना हो उसके 1 दिन पहले, जैसे मान लीजिए कि कल आप खेत पर हल चलाने वाले हैं, तो उसका 1 दिन पहले इसको तैयार कर लें। 12 घंटा तैयार करने के बाद दूसरा दिन सवेरे इसको 1 एकड़ खेत के मिट्टी में छिड़काव करें। यह ध्यान रहे, खेत में जब आप हल चलाने वाले होंगे तभी इसको डालिए। ये जो चित्र में दिखाया है इसमें हल चलाने के ही पहले ही पूर्व है। सामान्यतः इसमें नमी, खेत की मिट्टी में अच्छी नमी होनी चाहिए और खरपतवार वगैरह नहीं रहना चाहिए, तब इसको छिड़काव करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। और इससे यह खाद मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बन के संतुलन को बनाए रखता है, जिससे पैदावार में बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। वास्तव में ये जो कार्बन है संजीवनी खाद, ये नाइट्रोजन के इनटेक को, प्लांट जो नाइट्रोजन लेता है उसकी स्पीड को बढ़ाता है, यानी उसके जो पौष्टिक आहार मिट्टी से जीवाणुओं के द्वारा छोड़े हुए जो पौष्टिक आहार को लेने का जो स्पीड है उसको ये बढ़ा देता है। धन्यवाद।